नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइशर 3015 ई 494 इंजन है जो उसके इंजेक्टर कैसे खोल ले और फिट करें। इस गाड़ी में लेट स्टार्टिंग थी, एवरेज भी थोड़ा कम है, इसलिए हम इस गाड़ी के इंजेक्टर खोल रहे हैं और उनको रिपेयर करा के फिट करेंगे। रिपेयर करने खोलने से पहले इसके सभी जो है टैपेट कवर वायरिंग वगैरह को सभी को हटा लेना है और उसके बाद हमने इंजेक्टर को अच्छी तरह से निकालना है, मतलब आराम से निकालना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये वैसे भी आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए हमने इसके इंजेक्टर निकाल लिए हैं, बल्कि रिपेयर करा के भी हमने इसको अब ले आए हैं, निकाल लिए हैं और रिपेयर करा के भी ले आए हैं। इनमें कुछ थोड़ी बहुत कमी थी, वो ठीक हो गई है। इनको लगाते समय ध्यान रखें कि ये हमारा जो आइशर का इंजेक्टर है या किसी भी गाड़ी का कोई भी इंजेक्टर खोल लेंगे तो उन्हें ध्यान रखना है कि वो जिस नंबर पर लगे उसी नंबर पर लगाना है, ताकि आपको मतलब ये कोडिंग वगैरह की कोई समस्या ना हो। ये है जो आइशर का जेन्युइन इंजेक्टर है। इसके अंदर देखिए ये रबर रिंग होता है जो हमारा वापसी डीजल को ऊपर इंजन ऑयल की तरफ जाने से रोकता है। ये हमारा जो होल है ये सामने की तरफ, ये हमारा जो है होल ये इंजेक्टर पाइप की तरफ होगा और जो ये छोटे इधर वाला है ये दूसरी तरफ होगा जो हमारा वापसी वाला है। देखिए ये इसका बार कोड होता है। अगर हम इन्हें खोलते समय ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सा इंजेक्टर किस नंबर में लगाया है, निशान लगा लेंगे या कोई किसी प्रकार की कोई भी मतलब असावधानी ना बरतें, इसके लिए सावधानी से खोलना है और सभी को अच्छी तरह से लगाना है, वायरिंग को भी अच्छी तरह से लगाना है। वायरिंग में इसमें उल्टा पुल्टा अगर आप जिसे ध्यान से खोल लेंगे, आराम से खोल लेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना इसके तार मतलब एक दूसरे की जगह लगेंगे, ना ही कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। लेकिन लगाना आपको सावधान है, कई बार हमारी जो गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं ये अंदर से इनके जो वायर हैं वो हार्ड हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं, क्रैकिंग आ जाती है उनके अंदर। इस वजह से थोड़ा इन्हें ज़्यादा मोड़े तोड़े ना, जिस गाड़ी में जो गाड़ी ज़्यादा ओवर हीट हुई है उसके अंदर। ये हमारा आइशर का इंजेक्टर है, ये इसका आईडी नंबर था। इंजेक्टर को लगाते समय हमें ध्यान रखना है साफ़ सफाई का और वायरिंग का, मतलब किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। देखिए वो हमने इसके जो कनेक्टर हैं वो टाइट कर लिए हैं जहाँ पर हमारे हाई प्रेशर पाइप लगेंगे और उससे परली तरफ रेल लगेंगे, रेल के जो पाइप हाई प्रेशर पाइप हैं वो लगेंगे। हमने वायरिंग को भी टाइट कर लिया है, ये हमारा जो वायरिंग का कपलर है ये भी लगा लिया है और रेल पहले से ही लगी और रेल हमने खोली नहीं है, ठीक है जी। ये हमने देखिए इस गाड़ी का जो टैपेट कवर भी लगा लिया है, इसके लगभग टैपेट कवर के सभी बोल्ट हमने जो लगा लिए हैं इसकी सभी कंप्लीट फिटिंग कर ली है। ये हमारा जो है इंजेक्टर की जो वायरिंग का कपलर है इसे भी सावधानी से लगाना है, अगर आपने सही तरीके से नहीं लगा तो इसे इंजन ऑयल लीक होने लग जाता है। हमारा इंजन बिल्कुल मतलब लीकेज हो जाता है, इंजन ऑयल लीकेज हो जाता है, सारा बुरा हाल हो जाता है इसका। तो ये देखिए अब हम इसका जो सेल्फ लगा के इसकी एयर निकाल रहे हैं, एयर को अच्छी तरह से निकालना है। अगर हमारे सिस्टम में एयर होगी तो हमारा जो इंजेक्टर है, वैसे तो ये इंजेक्टर ऐसे हैं इनमें लॉकिंग की समस्या कम होती है, लेकिन जो डेल्फी के इंजेक्टर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बिल्कुल लापरवाही करेंगे तो ये भी लॉक हो सकते हैं। हमने सभी जो इंजेक्टर के अंदर अच्छी तरह से जो है डीजल निकालना है और सभी हाई प्रेशर पाइप को टाइट कर देना है। देखिए सभी हाई प्रेशर पाइप को हमने टाइट कर लिया है, सभी हाई प्रेशर पाइप को हमने टाइट कर लिया है और अब इसके आगे हम
ये इसका जो है ये कपलर हम अभी फिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो इसके अंदर जो रेल प्रेशर के अंदर जो रेल की लाइन है उसके अंदर हमने प्रेशर को बिल्ट अप करना है, बनाना है प्रेशर को, ताकि हमारी गाड़ी कपलर लगाने के बाद एकदम स्टार्ट हो जाए। और जो हमारा ये कपलर है इसके अंदर हमने स्प्रे वगैरह लगाना है, पेट्रोल से साफ़ करना है, ताकि इसके अंदर कोई चिकनाई ना हो। जैसे कई बार डीजल लगा जाता है या इंजन ऑयल लग जाता है तो हमारी जो गाड़ी है वो कुछ न कुछ ज़रूर दिक्कत करने लग जाती है। वैसे ये 30-15 का जो इंजन है वो अच्छा इंजन है, इसमें समस्या बहुत कम आती है। जो हमारी कोई भी समस्या होगी वो बहुत कम होगी। देखिए ये हमने इसका जो है बिल्कुल अच्छी तरह से डीजल निकाल लिया इसके अंदर, और अब हम देखिए इस इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं। और इंजन को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो है ये हमारा जो इंजेक्टर का जो कपलर है वो लगाएंगे, और एक बार दोबारा स्विच काटेंगे हम अपनी गाड़ी का, और उसके बाद फिर सेल्फ लगाएंगे। देखिए ये जो हमारा इंजन है वो स्टार्ट हो गया है और उसकी आवाज़ भी अच्छी है। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, हमने इसके अंदर कोई सी भी किसी प्रकार की कोई लीकेज ना हो, एक्सीलेटर वगैरह देंगे, ये डीजल की हाई प्रेशर पाइप लाइनें हैं, कई बार लीक हो जाती हैं, इनको ज़रूर चेक करना है, साउंड को चेक करना है, और सभी कपड़ी चेकिंग के बाद हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।